हाय एवरीवन, सो आज हम आए हैं फिर से चार चिनारी में। तो काफ़ी अच्छी जगह है ये। मतलब मुझे ऐसा लगा था कि मैं फ़र्स्ट टाइम आई हूँ यहाँ पर, मुझे तो लगा था पता नहीं कितने सारे चिनार होंगे क्या होगा, बट कुछ ज़्यादा तो है नहीं। चलिए ठीक है, अच्छी हवा है यहाँ पे और ये पास, मतलब यहाँ पे भी सेम ही है, डल लेक के पास ही स्ट्रेट है। एंड पर सोचने वाली बात ये है कि ये किस तरीके से कंस्ट्रक्ट किया हुआ है। आप देखिए, मतलब बीचों बीच पूरे डल लेक के बीच में है ये, तो कितना किस तरीके का कंस्ट्रक्शन होगा, किस तरीके की इंजीनियरिंग होगी इसमें। तो ये देखिए काफ़ी अच्छा है यहाँ पे, कितनी अच्छी, कितना अच्छा व्यू है। देखो कैसा लग रहा है यहाँ पे आके, बोल ही सकती है। देखिए ये क्या बोला था अंकल ने, इसको क्या बोलते हैं, लिली। हाँ, ये जो आप देख रहे हैं ना, आपको पता है इसमें क्या होता है, इसमें जो पम्पकिन हम लोग खाते हैं ना, वो इसी से प्रोड्यूस होता है। जैसे इसका रूट होता है, फिर उसी से, फिर जब ये, आई डोंट नो द होल प्रोसेस, बट कुछ उसी तरीके का होता है। मतलब रूट्स इसके पानी में होते हैं एंड देन दी लास्ट प्रोडक्ट इज द पम्पकिन। और हम लोग अभी, और यहाँ से भी काफ़ी अच्छा है, यहाँ से आप देखिए कितना ब्यूटीफुल है सारा कुछ। और बस ज़्यादा एरिया नहीं है ये, बट अब उस वजह से फेमस है बिकॉज इट्स लोकेटेड इन द मिडल ऑफ डल लेक, सो दैट इज़ व्हाई यू नो दैट इट लुक्स समथिंग मैसिमराइजिंग। अदरवाइज जो अगर हम लोकेशन की बात करेंगे तो लोकेशन उतनी, मतलब उतना ज़्यादा वाइड एरिया नहीं है, काफ़ी कम ही है। ये मुझे बहुत प्यारा लग रहा है, देखिए आप कितने अच्छे वाटर लिली यहाँ पे, एक्वाटिक प्लांट्स बोलते हैं ना इनको। ये देखिए ये माउंटेन्स कितने प्यारे हैं यहाँ पे, और यहाँ पे पूरा ये चिनार। ये मुझे समझ नहीं आ रहा चिनार किस चीज़ का, चिनार तो एक एक है यहाँ पे, ये भी चिनार है, वो भी तीन चिनार है। और यहाँ पे काफ़ी यू नो सराउंडिंग काफ़ी अच्छी है, प्योर एयर है यहाँ पे, तो वो भी बहुत ज़्यादा मैटर करता है, ऑक्सीजन लेवल आपको बहुत ज़्यादा मिलेगा। तो यार आप भी आइए यहाँ पे, काफ़ी अच्छी जगह है। मेरा तो फर्स्ट टाइम है, आई वाज थिंकिंग पता नहीं क्या होगा, इट विल बी समथिंग जहाँ पे काफ़ी ज़्यादा चिनार होंगे एंड समथिंग, बट यहाँ पे मतलब ठीक है, अब उतने ज़्यादा चिनार तो है नहीं, लेकिन लोकेशन काफ़ी अच्छी है। जैसा कि मैंने बोला डल लेक के पूरा सेंटर में है ये, तो दैट्स वाई काफ़ी अच्छी प्लेस है। एंड यहाँ से भी देखिए कितना बड़ा चिनार है, बड़ा यार, आई थिंक ये न्यूली प्लांटेड चिनार है, क्योंकि इतना इनमें एक तो रूट भी उतना ज़्यादा ये नहीं हुआ है ना, इरप्ट बहुत टाइम लगता है उनमें, क्या बोलते हैं, फिर जो दूसरे बड़े वाले चिनार होते हैं उनमें नहीं, वो ऐसे करके वो केव जैसा बना होता है। ये देखिए आप, ये भी सेम तरीके की लोकेशन है यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या मस्त फोटो उठेगा ना। ये देखिए यहाँ पे भी सेम तरीके का लोकेशन सेम है, ये माउंटेनस एरिया पूरा माउंटेन से कवर्ड है। काफ़ी अच्छा लग रहा है यहाँ पे आके, जब एक अलग ही एटमोसफेयर से निकल के घर में चार दीवारी में बैठ के यहाँ पे खुली हवा में, माशाल्लाह काफ़ी अच्छा लग रहा है। आप सब लोग भी यहाँ आइएगा, ये सीनिक ब्यूटी को एंजॉय कीजिए आप। मैं कोई एम्बेसडर नहीं हूँ टूरिज्म की, बट स्टिल एज अ यू नो दिस क्या बोलते हैं इसको, कश्मीर से मैं हूँ, तो प्रमोट कर सकते हैं हम, तो अच्छी चीज़ है। सो आप सब लोग भी आइएगा यहाँ पे, और अगर आपको ये जगह अच्छी लगी, मेरा ये छोटा सा व्लॉग जो मैंने बनाया, आई नो कि उतना भी अच्छा नहीं है, बट स्टिल मुझे ऐसा लगा कि यार मैं आई हूँ तो अपने व्यूवर्स को भी थोड़ा सा आई ट्राई टू यू नो कैप्चर द लोकेशन, कैप्चर द थिंग्स जहाँ पे भी मैं हूँ। सो या आई थिंक आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, अगर अच्छी लगी तो डू सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड डू लाइक द वीडियो, ऑल्सो शेयर इट विद योर फ्रेंड्स इफ यू आर आउटसाइड फ्रॉम कश्मीर, सो दे कैन ऑल्सो वॉच द वीडियो एंड दे कैन एन्जॉय दिस मैसिमराइजिंग ब्यूटी ओवर हेयर। सो या आई थिंक इट्स द रैप, ओके बाय, टेक केयर, लव यू।